नमस्कार, आप सभी का एके म्यूजिक क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप सभी के मध्य एलटी ग्रेड संगीत पाठ्यक्रम लेके उपस्थित हूँ। इस पाठ्यक्रम में जो है कि दो भागों में बांटा गया है। इस पाठ्यक्रम को पहला भाग है गायन और दूसरा भाग है वादन। किसी भी प्रतियोगी छात्र को संगीत जो एलटी ग्रेड की परीक्षा देने चाहते हैं उन्हें दोनों भागों को तैयारी करना पड़ेगा, गायन की भी और वादन की भी। ये नहीं कि हम गायन के तो गायन का केवल पढ़ेंगे, वादन के तो वादन का, ऐसा नहीं। पेपर एक होता है पूरा और उसमें गायन और वादन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सिलेबस को कि सिलेबस में क्या क्या है। तो एलटी ग्रेड पाठ्यक्रम विषय संगीत, ठीक है। तो पहले पार्ट पे हम चलेंगे जो हमारा गायन का पार्ट है। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो आपको पढ़ना है गायन में, पहला है आपका कंपन। कंपन आंदोलन संख्या, नाद एवं उनके लक्षण। अब देखिए, आंदोलन किसी भी स्वर की जो आंदोलन संख्या है, सरस की कितनी है, ऋषभ की कितनी है, गांधार की कितनी, इन सभी चीजों को आपको देखना है। नाद एवं उनके लक्षण क्या है, नाद की जाति क्या है, नाद की परिभाषा किसने क्या कहा है, तो इन सभी चीजों को आपको देखना है। फिर आता है स्वर एवं श्रुति का अध्ययन। स्वरों का अध्ययन करना है कि स्वर कितने होते हैं, कितने शुद्ध और कितने विकृत हैं, और कितनी श्रुतियां होती हैं, और किस विद्वान ने कितनी कितनी श्रुतियां कहा है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। श्रुति की जाति कितना होता है, तो ये सभी आपको अध्ययन करना है। या वैदिक स्वर कितने होते हैं, सप्त वैदिक स्वर कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। फिर आता है विभिन्न विभिन्न विद्वानों के मतानुसार श्रुति स्वर विभाजन, कि कौन सा स्वर किस श्रुति पर स्थापित है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि षड्ज किस श्रुति पर स्थापित है, गांधार, मध्यम, पंचम, सातों स्वर जो है किसकी श्रुति पर स्थापित है, विकृत स्वर की श्रुति पर स्थापित है, अकॉर्डिंग टू अहोबल, लोचन, श्रीनिवास, रामामात एवं भातखंडे। अब आता है वेंकटमखी के 72 मेलों का अध्ययन। वेंकटमखी ने जो 72 मेल बताए हैं वो किस ग्रंथ में बताए हैं, कितने चक्रों के अंतर्गत 72 मेलों को बताया गया है, कितने शुद्ध में शुद्ध मध्यम के मेल है, कितने विकृत मध्यम के मेल है, इन सभी को आपको अध्ययन करना है। अब आता है आधुनिक 32 थाटों का अध्ययन एवं भातखंडे की 10 थाटों का अध्ययन। आपको देखिए, जो आधुनिक 32 थाट है उनका अध्ययन करना है कि 32 थाट कौन कौन से हैं, और जो भातखंडे जी ने जो प्रचलित जो आज के समय में 10 थाट है उनका अध्ययन, और कितने तीव्र मध्यम के हैं, कितने शुद्ध शुद्ध सातों शुद्ध स्वर युक्त थाट है, कितने कोमल स्वर युक्त थाट है, कितने तीव्र मध्यम युक्त थाट है, तो इन सभी इस तरीके से आप सभी थाटों को देख सकते हैं। अब आता है पंडित श्रीनिवास के अनुसार वीणा के 36 इंच तार पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना। तो आपको ये देखना कि पंडित श्रीनिवास ने किस ग्रंथ में वीणा के 36 इंच के तारों पर स्वरों की स्थापना, शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना किए हैं वो, और कब वो ग्रंथ लिखा गया था, और इसके बाद जो भी प्रत्येक स्वर चाहे वो शुद्ध हो चाहे विकृत, चाहे घोड़क से पूछा जाए चाहे मेरु से पूछा जाए कि कितने इंच की दूरी पर, उसके बारे में आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। अब आता है सारणा चतुष्टयी का अध्ययन। सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम किसने किया था, किस अध्याय में प्राप्त होता है, किस वीड़ा पर किया गया है, कितनी सारणाएं की गई हैं, कौन से स्वर किस सारणा में मिलता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में मिलता है, किसमें मिलता है, इन सभी चीजों को आपको अध्ययन करना है। आप चतुर्थ सारणा में कितने स्वर प्राप्त होते हैं, कितने श्रुति का हम जो है कि श्रुति के प्रत्येक स्वर को कितनी श्रुति चतुर्थ सारणा में उतारते हैं, इनके बारे में इस तरीके से आपको डिटेल अध्ययन करना है। फिर आता है नाद की संगीत उपयोगिता, स्वयंभू स्वर, जाति क्या है, राग क्या है, ग्राम मूर्छना का अध्ययन, संवाद विवाद, हारमोनी मेलोडी क्या है, गूंज क्या है, प्रतिध्वनि अनुरण, विभिन्न प्रकार के कॉर्ड्स। अब देखिए, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति आपको पढ़ना है। पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति में आपका जो पाश्चात्य में स्वरों को क्या कहा जाता है, पाश्चात्य में कितनी स्वरलिपि पद्धतियां थी, आज वर्तमान अब कौन सी स्वरलिपि पद्धति प्रचलित है, इसके बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में, और वहां पर ताल पद्धति भी है, पाश्चात्य ताल लिपि पद्धति, उसको भी आप पढ़ें पढ़ना है, अध्ययन करना है। उसके बाद स्वरलिपि पद्धति और ताल लिपि पद्धति दोनों का अध्ययन करना है, स्केल का अध्ययन करना है, संवाद का अध्ययन करना है, ठीक है। तो अब आता है फिर उसके आगे पंडित भातखंडे एवं पंडित विश्व दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धतियों का अध्ययन।
जो पंडित भातखंडे जी विष्णु दिगंबर की जो स्वरलिप पद्धतियां हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है कि शुद्ध स्वरों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, विकृत स्वरों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और ताड़ सप्तक के लिए किस स्वर का किस चिन्ह का प्रयोग, मंद सप्तक के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इन सभी चीजों को आपको अध्ययन करना है। फिर आता है राग वर्गीकरण और वाद्य वर्गीकरण। किस ग्रंथकार ने किस तरीके से रागों को विभक्त किया गया, जैसे सारंगदेव की बात करें तो 10 विध राग वर्गीकरण सारंगदेव का मिलता है, तो उन्होंने 10 विधियों के माध्यम से रागों का वर्गीकरण किया है। फिर आता है वाद्य वर्गीकरण, जो चारों प्रकार का वाद्य है, तत्व घन अव्यय दोषो से, इनके बारे में आपको वाद्य वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ना है। किस ग्रंथकार ने कितने वर्गीकरण किए, किसी ने 3 किया होगा, किसी ने 4, किसी ने 5, तो जिस ग्रंथकार ने जितने वाद्यों का वर्गीकरण किया गया है उनके आधार पर आपको अध्ययन करना है। फिर आता है उत्तरी एवं दक्षिणी संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन। जो ताल पद्धतियां उत्तरी एवं दक्षिणी, उनका तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है कि सम को वहां पे क्या कहते हैं, खाली के लिए क्या दक्षिणी में प्रयोग किया जाता है, तो उत्तरी ताल पद्धति को दक्षिणी ताल पल्ली पद्धति में कैसे लिखेंगे, तो इनके बारे में आपको कितने ताल, कर्नाटक जो दक्षिण ताल पद्धति है उसमें अगर त्रिताल को किस तरीके से लिखेंगे, तो ये सभी आपको अध्ययन करना है। और अब देखिए राग एवं ताल के विशेष संदर्भ में गायन के मुख्य घरानों का अध्ययन, आपके गायन के मुख्य घराने कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, अब आता है प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक संगीत का संक्षिप्त इतिहास। तीनों काल में आपको पढ़ना है कि संगीत का क्या इतिहास है, प्राचीन काल में क्या रहा, मध्य काल में, आधुनिक काल में क्या रहा है, प्राचीन काल में कितने स्वर, ग्राम, मूर्छना क्या क्या प्रयोग होते थे, उन सभी को आपको अध्ययन करना। मध्य काल और आधुनिक काल में भी आपको इन सभी चीजों को देखना है कि क्या स्वर के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया गया है, ग्राम के लिए क्या कहा गया है, तो विभिन्न ग्रंथकारों के आधार पर भी आप इसका अध्ययन करेंगे। फिर आता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्द कौन कौन से आपको पढ़ने, वर्ण, अलंकार, पकड़, वक्र स्वर क्या होता है, कड़ क्या होता है, मुरकी क्या है, गमक क्या है, कंपन क्या है, गमक किस ग्रंथकार ने कितने गमक कहे हैं, जैसे सारंगदेव ने 15 गमक कहे हैं, तो पाश्चात्य में दक्षिणी संगीत में कितने गमक का प्रयोग होता है, तो इस तरीके से आप उन गमक का नाम, वर्तमान में उनका क्या नाम है, इस तरीके से आप अध्ययन करेंगे। फिर आता है मीण, वादी संवादी, झाला, जोड़, अनुवादी, विवादी, ग्रह, अंश, न्यास, गीत, मार्गी, देशी, निबद्ध, अनिबद्ध, गान, रागालाप, रूपकालाप, आलापी, तो इन सभी पारिभाषिक शब्दावलियों को आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका गान, आलप, अल्पत्व बहुत, आविर्भाव, तिरोभाव क्या होता है, अर्धदर्शक स्वर क्या है, राग एवं समय सिद्धांत, कौन सा राग किस समय गाया जाता है, किस समय गाना चाहिए, कि कौन कौन से राग, उनका समय सिद्धांत क्या है, इसको आपको देखना है। फिर आता है संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं, संधि प्रकाश राग कौन कौन से, पूर्व एवं उत्तर राग, परमेल प्रवेशक राग, गायक एवं वादकों के गुण एवं अवगुण, गायक के गुण क्या है, अवगुण क्या है, कितने गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं तो उनके बारे में, और अवगुण कितने बताए गए हैं ग्रंथकारों के द्वारा, तो आपको उसे देखना है। फिर आता है ध्रुपद, धमार, ठुकरी, टप्पा, तराना, चतुरंग, त्रिवट, विभिन्न शैलियों का अध्ययन। ठीक है, जैसे धमार है, ध्रुपद है, ध्रुपद किस गाय, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है, किस वाद्य पर बजाया जाता है, धमार में कौन सा ताल बजता है, ठुमरी के साथ किस ताल का संगत किया जाता है, टप्पा कहाँ, टप्पा का आविष्कार है कौन है, ठुमरी के आविष्कार कौन है, तो इस तरीके से जो तराना का आविष्कार किसने किया, तराना किस लय में गाया जाता है, तो ये सभी जो इनसे ध्रुपद गायन शैलियों से संबंधित है, तो आपको सभी चीजों को देखना है। ध्रुपद गायक, ध्रुपद कलाकार कौन है, धमार कलाकार कौन है, ठुमरी गाने में प्रसिद्ध कौन कलाकार है, इन सभी चीजों को आपको देखना है। फिर आता है विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन। ठीक है, इसमें नाट्यशास्त्र, बृहदेशीय और संगीत रत्नाकर, ये तीन ग्रंथ आपको अध्ययन करना है। नाट्यशास्त्र, बृहदेशीय और संगीत रत्नाकर, तीनों ग्रंथ के लेखक कौन है, ये ग्रंथ कब लिखा गया था, इनसे संबंधित और भी जो इनके टीकाएं किसने किसने लिखी, और भी आप ग्रंथों का अध्ययन कर लेंगे, तो कब लिखा गया, कितने अध्याय हैं, संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं, क्या क्या चीजों का उल्लेख मिलता है इनमें, नाट्यशास्त्र कितने अध्याय हैं, संगीत संबंधित कितने हैं, रस कितने हैं, तो सभी चीजों को आपको नाट्यशास्त्र, बृहदेशीय, संगीत रत्नाकर से अध्ययन करना है डिटेल पूरा।
संगीत रत्ना किस, अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस ग्रंथ को सप्ताध्याय कहा जाता है, तो संगीत रत्ना का, संगीत रत्ना का में कितने अध्याय होते हैं, सात, तालाध्याय कौन सा, वाद्याध्याय कौन सा है, नर्तनाध्याय कौन सा है, तो ये सभी इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। आगे चलते हैं, अब आपका है प्रमुख कलाकारों की जीवनियां, बायोग्राफी आपको पढ़ना है, जैसे स्वामी हरिदास, तानसेन, भातखंडे, पंडित विश्व दिगंबर, अमीर खुसरो, रवि पंडित रविशंकर, ओमकारनाथ ठाकुर, निखिल बनर्जी, इन सभी ने संगीत में इनका योगदान क्या रहा, अगर इनके द्वारा कोई स्थापना की गई वो भी आप देखिए, इनका जन्म किस गुरु से सीखे, माता पिता, जन्म स्थान, अवार्ड, कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ, अगर इन्होंने कोई स्थापना किया तो उसके बारे में आप देखिए, और या आप देखिए ये कि इन्हें इनका निधन कब हुआ और इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई उनके बारे में भी आप डिटेलिंग देखिए, एक एक कलाकार के बारे में पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करके अध्ययन कीजिए। फिर आता है प्रमुख रागों का अध्ययन, प्रमुख रागों का अध्ययन जो है कल्याण, कल्याण राग, भैरव, भैरवी, बिलावल, तोड़ी, पूर्वी, आशावरी, देश, बागेश्वरी, मारवा, काफी, खमाज, इन सभी रागों का तुलनात्मक अध्ययन। अगर आप देखें तो दसों थाटों का नाम यहाँ जिक्र है, कल्याण, भैरव, भैरवी, बिलावल, तोड़ी, पूर्वी, आशावरी, मारवा, काफी, खमाज, तो दसों थाटों के अतिरिक्त देश और बागेश्वरी को भी आपको अध्ययन करना है, इनके जाति क्या है, इनके वादी संवादी क्या है, और इनके स्वरावली क्या है, इनके संप्रकृति राग क्या है, इन सभी को आपको इनके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। अब हम आते हैं इंटीग्रेट संगीत पाठ्यक्रम का जो बी भाग है, वादन, वादन से संबंधित किन किन चीजों को हमें अध्ययन करना चाहिए, ये नहीं कि आपने गायन किया तो गायन को ही पढ़ना है, गायन नहीं, गायन के साथ साथ वादन भी आपको पढ़ना है, दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो तबले के हो चाहे वोकल के हो, तो दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के लिए पूरा पूरा सिलेबस अध्ययन आपको करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वादन पे, वादन में आपको क्या क्या देखना है, देखिए पहले जो है आपको विभिन्न वाद्यों का अध्ययन, ठीक है, कौन कौन से वाद्यों का अध्ययन करना है, तबला, सितार, तानपुरा, पखावज, सारंगी, गिटार, वायलिन, हारमोनियम, इन सभी वाद्यों का आपको अध्ययन करना है कि किसका बना हुआ होता है, इसके पार्ट्स क्या हैं, सितार का आविष्कारक कौन है, तबले का आविष्कारक कौन है, तो सारी चीजों का अध्ययन यहाँ पे आपको करना है, हारमोनियम किस वर्ग का वाद्य है। अब देखिए यहाँ पे आपको तत, अवनद, सुशील, ये तीनों प्रकार के वाद्यों का बात है, अगर हम देखें कि तबला और पखावज जो कि अवनद वाद, सितार, तानपुरा, सारंगी, गिटार, वायलिन, ये आपका जो है कि तत्वाद, और हारमोनियम जो है ये आपका सुशीर वाद्य है, ठीक है। तो इसमें से पूछा जा सकता है कि गिटार किस वर्ग का वाद्य है, पखावज किस वर्ग का वाद्य है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं। अब देखिए ताल के 10 प्राण आपको अध्ययन करना है, ताल के 10 प्राण में काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्थान, आपको मार्ग कितने होते हैं, कला क्या है, लय क्या है, यति क्या है, इन सभी का विस्तृत आपको अध्ययन करना है। अब आते हैं वर्ण, वर्ण का यहाँ पे मतलब है वाद्यों पर बजने वाले पाटाक्षर, जो वर्ण बजते हैं, जैसे तबला पर कौन कौन सा वर्ण बजते हैं, तबले पर दाहिने पर कितने वर्ण बजते हैं, बाएं पर कितने वर्ण बजते हैं, पखावज पर कितने वर्ण कुल बजते हैं, तो ये सभी चीजें आपको अध्ययन करनी है। फिर आता है लय एवं लयकारियों का अध्ययन, लय कितने प्रकार का होता है, लयकारी, लयकारी का क्या मतलब होता है, लयकारी की परिभाषा क्या होती है, लय की परिभाषा किस विद्वान ने क्या क्या कहा है उनके बारे में अध्ययन, लयकारियों के बारे में, लय 3 प्रकार का होता है, द्रुत, मध्य, विलंबित, और लयकारी क्या होती है, लयकारी की परिभाषा क्या है, उसके बाद जो है कि ठा, दुगुण, त्रिगुण, चौगुण, आड़, पुआड़, बियाड़, इन सभी लयकारियों के बारे में आपको अध्ययन करना है कि किसी भी ताल में आड़ किस लय से, किस मात्रे से प्रारंभ होती होगी, कितने मात्रे में आएगी, दुगुर किस मात्रे से प्रारंभ होगी, कितने मात्रे में आएगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको तैयार कीजिए। फिर आता है देसी मार्गी ताल, आप ग्रंथ उठा लीजिए, मार्गी ताल का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो आपका नाट्यशास्त्र देख लीजिए, नाट्यशास्त्र 5 मार्गी ताल, उसके बाद हम संगीत रत्नाकर में आते हैं, संगीत रत्नाकर में जो है कि देसी 120 ताल होती है और मार्गी जो कि 5 ताल होती है, तो इनके लक्षण, इनकी सशब्द निषिद्ध क्रियाएं क्या है, ये सभी आपको अध्ययन करना है। फिर आता है सम विषम तालों का अध्ययन, ठीक है, सम विषम तालों का अध्ययन, मतलब सम मात्रिक ताल कौन से, विषम मात्रिक ताल कौन से है, अब ताली, खाली, विभाग, पद, इसकी जाति, इन सभी चीजों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा अध्ययन इसमें। फिर आता है परिभाषिक शब्द, ताल, ताली, ठेका, सम, आवर्तन, खाली, विभाग,
अब ये सब जो है कि पारिभाषिक शब्दावलियां हैं। ताल, ताली, ठेका, सम, आवर्तन, खाली, विभाग। खाली किसे कहते हैं, खाली को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, सम को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, आवर्तन क्या होता है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर आता है जो बंदिशें बजाई जाती हैं तबले में, पेशकार, गत, कायदा, टुकड़ा, परन, परन के प्रकार, पलटा, रेला, पेशकार, मुखड़ा, त्रिपल्ली, चौपल्ली, चक्रदार, नगी, लड़ी, ये आपके तबले पर बजाई जाने वाली रचनाएं हैं, पेशकार। अब इसमें किस तरीके से देखो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें में से कौन सी रचना अविस्तारशील है, कौन सी विस्तारशील रचना है, कायदा, आड़ लय का कायदा किस घराने में बसता है, बराबर लय का कायदा किस घराने में बसता है, लमछर परन किस घराने में बसता है, तो इन सभी को इस व्यू से भी आपको अध्ययन करना है, और त्रिपल्ली क्या है, चौपल्ली क्या है, इसका भी आपको अध्ययन करना है। फिर आता है झाला, जोड़, कीर्तन, जमजमा, मुरकी, ये सभी जो है कि आपको तत्ववाद से संबंधित है। झाला, जोड़, कीर्तन, जमजमा, मुरकी किस वाद्य पर बजाए जाने वाले ये सब है। झाला, जोड़, कीर्तन, कभी कभी पूछ लेता है जोड़ किस वाद्य पर बजाता है, बजाया जाता है, झाला किस पर बजाया जाता है, तो ये सभी जो है कि तत्ववाद्यों पर बजाए जाने वाले परिभाषित शब्द है। अब आता है बेदम, बेदमदार तिहाई। तो दमदार और बेदम तिहाई, तिहाई कितने प्रकार की होती है, दमदार क्या होता है, बेदम क्या होता है, किस ताल में बेदम तिहाई निर्मित होगी, किस ताल में नहीं निर्मित होगी, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर आता है तबला वाद्य के अंग, तबला वाद्य के अंग जो है कि उसके गजरा, गट्टा दो भागों में विभक्त होता है, दायां और बायां। तो बाएं दाएं भाग में क्या स्याही लगी हुई है, गजरा है, गट्टे हैं, कितने गट्टे होते हैं, कितने घर होते हैं, उनकी बद्दी किस पशु के खाल से बनती है, उनकी पूरी किस पशु के खाल से बनती है, इन सभी का अध्ययन करना है। फिर मिलाने की विधि, तबला मिलाने की विधि क्या होती है, किस स्वर से मिलाया जाता है, इनके बारे में। फिर विभिन्न बोलों द्वारा वाद्यों को पहचानना, जैसे कि तटकट गदगन धा, या धाधा दिनता, किरदा दिनता, तटकट गदगन धा, यह ठेका जो कि किस वाद्य पर बजाया जाता है, या चौताल किस वाद्य पर बजाया जाता है, या गजम्पा ताल किस पर बजाया जाता है, त्रिताल या कहरवा दादरा किस वाद्य पर बजाया जाता है, तो ठेके को देख के आपको, बोलों को देख के आपको पहचानना किस वाद्य पर बजाए जाने वाले बोल है। फिर आता है ठेके के कुछ बोलों के आधार पर तालों को पहचानना। अब देखिए ठेके के बोलों के आधार पर आपको कुछ बोल दे दिए जाएंगे, ताली खाली दे दिए जाएंगे, आगे पीछे रिक्त स्थान दे दिए जाएंगे, तो उनके आधार पर आपको पहचानना पड़ेगा कि वो किस ताल के ठेके हैं, और तब तक आपको पहचानने में दिक्कत होगी जब तक आपको उस ताल के ठेके, विभाग, ताली खाली नहीं पता होगा, तो आपको पहचानने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो है कि ताली खाली विभाग ये सब पता होना चाहिए। फिर आता है वाद्य का ऐतिहासिक विवरण कि कौन सा वाद्य कब से प्रारंभ है, तबला का आविष्कार कब हुआ, किस शताब्दी में आया, सितार का आविष्कार कब हुआ, इन सभी का ऐतिहासिक विवरण आपको अध्ययन करना है। अब आता है स्तुति के बोल, स्तुति के बोल किस घराने में बसते हैं, झूलना परन के बोल किस घराने में बसते हैं, स्तुति के बोल किस घराने में बसते हैं, इन सभी को आपको अध्ययन करना है। फिर आता है नौहक्का, नौहक्का आपका कि किस ताल में नौहक्का बेदम आएगा, किस में दमदार आएगा, कि एक पल्ला कितने वर्ण का होगा, कितनी विश्रांति देना है नौहक्का में, ये सभी आपको अध्ययन करना है। तो विभिन्न जोड़ियों का अध्ययन, कायदा, पेशकार, त्रिपल्ली, चौपल्ली, दमदार, बेदमदार, तिहाई, फरमाइशी, कमाली, चक्रदार, तिहाई, गट, टुकड़ा, लय, ताल, रेला, ठीक है। तो कायदा क्या है, पेशकार क्या है, त्रिपल्ली चौपल्ली क्या है, दमदार बेदमदार तिहाई क्या होती है, फरमाइशी कमाली क्या होती है, तिहाई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, चक्रदार तिहाई, गत टुकड़ा क्या होता है, लय ताल रेला क्या होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको अध्ययन होना है। कायदा किस शब्द का है, पेशकार किस शब्द का है, त्रिपल्ली का, दमदार, फरमाइशी किस शब्द का, किस शब्द से निर्मित हुआ है, तो फरमाइशी में कितने धा कितने आवर्तन का होता है, कमाली चक्रदार में कितने धा कितने आवर्तन, ये सभी चीजें आपको विस्तृत अध्ययन करना है। फिर आता है नेक्स्ट विभिन्न तालों का अध्ययन, विभिन्न कौन कौन से तालों का अध्ययन करना है, त्रिताल, चार ताल, एक ताल, धमार, रूपक, कहरवा, आड़ा चौताल, दीपचंदी, गजम्पा, तीव्रा और झुमरा, ये इतने तालों का आपको अध्ययन करना है। अब प्रत्येक ताल को आप देखिए ताल कितनी मात्रा का है, कितने विभाग है, कितने ताली, कितनी खाली, इसकी जाति क्या है, किस वाद्य पर बजाए जाते हैं, कितने दिन में कितने धा, पूरी तरीके से एक एक परत को देखिए कि किस तरीके से कितने बोल हैं, कितने धा हैं, कितने दिन हैं, कितने दिन हैं, कितने ता हैं, इन कितने विभाग, कितने जो है कि अवक्र प्रयोग किए गए हैं, कितने जैसे झूमरा है, झूमरा में दिन का मान कितना है, धा का मान कितना है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब आता है कर्नाटक पद्धति की सप्त तालों का अध्ययन,
कर्नाटक के सातों तालों का अध्ययन आपको करना है, ध्रुम ध्रुपद झम त्रिपुट अट एक, इन तालों का अध्ययन करना है। जातियों के आधार पर किन जातियों का प्रयोग होता है, कौन कौन से अंग प्रयोग होते हैं और किस जाति जाति के आधार पर कौन सा अंग अंग का मान परिवर्तित होता है और किसका जाति के आधार पर कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है अंगों पर, इसका भी आपको अध्ययन करना है। इस तरीके से कि सात तालों से 35 कैसे निर्माण होता है, 35 से 175 कैसे बनती है, इन सभी तालों को आपको देखना पड़ेगा कर्नाटक पद्धति सब तालों के आधार पर। फिर आता है सितार, तबले के विभिन्न घराने एवं बाज। अब देखिए आपको सितार के कौन कौन से घराने, तबले के विभिन्न घराने कौन से हैं और बाज कितने हैं। बाज तो तबले में दो ही होता है, पूरब बाज पश्चिम बाज। पूरब बाज के अंतर्गत कौन कौन से घराने आते हैं, पश्चिम बाज के कौन कौन से घराने आते हैं, जो छवो घराने उनके संस्थापक कौन है, इनको इस आधार पर भी आपको देखना पड़ेगा। लमछर परन किस कायदे किस घराने में बसती है, बराबर लय के कायदे किस घराने में, आड़ लय के कायदे किस घराने में बसते हैं, फर्द किस घराने की रचना है, ये सभी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब आता है विभिन्न कलाकारों की जीवनियों का अध्ययन। आपको ऊपर आपने देखा जो अवर्ग था गायन में भी कुछ कलाकारों के जीवन परिचय थे, तो जो गायन में कलाकारों के जीवन परिचय है और जो जो वादन में कलाकारों के जीवन परिचय, तो उन सभी कलाकारों को आप सभी को अध्ययन करना है। जैसे पंडित सिद्धार्थ खां, कंटे महाराज, गुदई महाराज, राम साहेब, पंडित राम साहेब मिश्र जी, कुदौ सिंह, उस्ताद अल्लाह रखा खां, अहमद जांच रखवा, नाना साहब पांसे, पंडित भैरव साहेब, मणिलाल नाग, विलायत खां, इमदाद खां, अली अकबर खां। तो इतने कलाकार आप देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो वादन में जो कि 13 कलाकारों का है और गायन में कितने कलाकार हैं उसे देख लीजिए। टोटल जितने भी कलाकारों का दिया गया है उनको उनका विस्तृत अध्ययन कीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, स्थान क्या है, इनका निधन कब हुआ, इनके गुरु कौन से थे, इनके मुख्य मुख्य शिष्यों को आप देख लीजिए, इनके द्वारा रचित पुस्तकें देख लीजिए, इन्होंने अगर कुछ उत्पत्ति की है या कुछ खोज किया तो उनके बारे में देख लीजिए, अगर कोई स्थापना किया तो उनके बारे में देख लीजिए, और इनके अवार्ड कौन कौन से मिले, किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण या भारत रत्न प्राप्त कलाकार जो है, तबले के कलाकार कौन है, वोकलिस्ट कौन है, सितार वादक कौन से हैं, सरोद वादक कौन से, इस तरीके से आप इन सभी कलाकारों के बारे में देखिए। अब देखिए तालों के बारे में, ताल कितने हैं आपके, त्रिताल, चारताल, एकताल, धमार, रूपक, कहरवा, आड़ा चौताल, दीपचंदी, गजझंपा, टोटल लगभग 10 से 11 ताल हैं। इन सभी तालों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को आप देखेंगे। राग आपको देखिए कल्याण भैरवी, ये को चाहे वोकल के विद्यार्थी हों चाहे तबले के विद्यार्थी हों, अ और ब दोनों को आपको अध्ययन करना है, वोकल और तबला के दोनों विद्यार्थियों को, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट उठाइए, स्टार्टिंग कीजिए, स्टार्ट से आप पढ़ना शुरू कीजिए सिलेबस को गायन से। तो इनमें जो भी आपके पारिभाषिक शब्द, श्रुति, ग्राम, मूर्छना है, इसको आप अध्ययन कीजिए और नोट्स भी बनाते जाइए एक एक का। तो इस आधार पे आप इसे पढ़ें। और आपको एक चीज और बता दें, ये हमारा जो कि पुराना सिलेबस है, पुराने सिलेबस के आधार पे मैंने आप लोगों को यहाँ बताया हूँ। जैसे ही विज्ञप्ति आती है, यदि कोई सिलेबस में परिवर्तन होता है तो हम नया वीडियो बना के अपलोड करेंगे और क्या अंतर आया है, क्या परिवर्तन हुआ है वो भी हम बताएंगे। अगर सिलेबस में कोई परिवर्तन होता है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस सिलेबस के आधार पर पढ़िए, सिलेबस से बाहर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाएगा, जितना सिलेबस में दिया है उसी को आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए, चाहे वो वादन का हो चाहे तबले का हो। लेकिन पढ़ना, ये ध्यान दीजिएगा, पढ़ना आपको दोनों है, गायन वादन दोनों है, राग जो दिए गए वो पढ़ना है, राग में आपको संप्रकृत राग कौन से है, उससे संबंधित जो भी राग आपको जुड़े हुए दिखते उन सभी रागों को जरूर पढ़िएगा। ताल जो दिए गए हैं, ताल जो उनसे जुड़े हुए ताल है, विभाग है, उन सभी तालों को आप भी देखिए, कलाकारों को देखिए, शिष्यों को उनके देखिए, तो शिष्यों के बारे में भी अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो ये आप सभी का रहा एलटी ग्रेड का पाठ्यक्रम। नया पाठ्यक्रम अगर आता है उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उस पर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, आप सभी लोगों को अवगत करेंगे कि क्या परिवर्तन आया है दोनों में, जो पुराना सिलेबस था और जो नया सिलेबस था उसमें क्या परिवर्तन आया है, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक बार पुनः मिलेंगे आप सभी के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।